बची हुई नियारी खा के आ गया। अबे ओ, मैंने तुझे तेरे जालिम चचा के लिए मौला शेख बनने के लिए कहा था, मेरे लिए नहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बंद करता हूं तेरी खरखराहट। मैं लड़ गया, मैं खतल हो गया। क्या हो गया भाई? अनवर बाबू, मैंने बहुत खतरनाक ख्वाब देखा है। ओए मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मैं खतल हो गया। कुछ देख लिया ख्वाब में? अरे ख्वाब देखा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा ख्वाब देखा है, और बहुत बुरा ख्वाब देखा है। खैर नहीं है, मैंने बहुत खतरनाक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मेरा चचा नूरी नच हाथ में बंदूक लिए मेरे सामने खड़ा है। उसने मुझसे पूछे बगैर उसने मुझ पर फायर कर दिया, गोली ठीक मेरे सीने पे चली, खून का फवारा इस तरह मेरे सीने से बहने लगा जैसे वाटर बोर्ड की पाइपलाइन पट गई हो। तोड़ी किस गई है, तोड़ी पाक गई है, तोड़ी किस गई है, तोड़ी पाक गई है, साड़ी वाटर बोर्ड की पाइपलाइन पट गई है। ओ जरीनी से समझा, ख्वाब हकीकत नहीं होते। नहीं अनवर बाबू, मैंने जो कुछ देखा है वो हकीकत देखा है। आज मैं यकीन मान, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अबे तुझे हो क्या गया ये बता? मुझे ख्वाब हो गया है। ख्वाब हो गया? हाँ। यार देख, मैं और मेरा दोस्त जमशेद बारेटला, हाँ, तेरी मदद कर रहे हैं नहीं? हाँ। मैं और डॉक्टर अर्शद तेरे साथ हैं या नहीं? हैं। तो फिर तू क्यों घबरा रहा है? अबे तेरा चचा तो क्या, तेरे चचा का चचा भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हम तेरे खून की जगह अपना पसीना बहा देंगे। बात यानी सिर्फ फकत पसीना? भाईजान आप गलत कह गए, पसीना नहीं फकत खून बहा। हाँ हाँ हाँ, खून खून बहा देंगे। बस एक दफे मुझे ये केस मौला दाद को ये केस जीत जाने दे। अगर मैं ये केस जीत गया तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी इमारत बनाऊंगा और उस इमारत में वकील साहब की एक ऑफिस होगा जो नीचे होगा। उसके बाद एक जनाब अनवर बाबू तुम्हारे लिए एक पेंडर की जगह होगी और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक जच्चा खाना होगा। अबे चुप हो जा, जच्चा खाना होगा? अबे मैं पेंटर हूँ, मुसव्विर हूँ, अपने फन से इनकलाब लाना चाहता हूँ, गुर्बत और इफ्लास की अकासी करना चाहता हूँ। पहले घर के अंदर आटा ला, आटा आटा ला आटा। वैसे एक बात है यार मौला दाद, तू ये ख्वाब वाब ना देखा कर, तेरी बड़ी मेहरबानी है यार। अच्छा तू ख्वाब देखता है ना, तो मेरी तस्वीर जो है ना वो बनते बनते रुक जाती है। आखिर तू चाहता क्या है यार? बात सुन, तेरे बस की बात नहीं है ये पेंट्री करना। खंजा तू तो सिर्फ एक काम कर, तस्वीरें पोत और उसके अलावा कुछ नहीं। पेंटर बाबू क्या, पेंटर बाबू जन्नत की बातें करता है तू, जन्नत की? अबे जन्नत तो माँ के कदमों तले होती है यार, ये तू ख्वाबों में किसकी जन्नत देख लेता है? अच्छा तो या अल्लाह मेरे बाप के भी कदमों में जन्नत डाल दे थोड़ी सी। मेरा कहा सुना माफ करना नर बाबू, मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी दिन रह गई। और चल यार छोड़, जब राजा नाचेगी ना तो सौमन तेल निकलेगा। जरीन तुम अंदर जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज जाना है, ठीक है? और सुनो, अब अगर यहाँ बम का धमाका भी हो जाए ना तो यहाँ मत आना, ठीक है? जाओ। चल यार खुश हो जाए, मैं तस्वीर बनाता हूँ। यार तू मेरी तस्वीर में खलल डालता है यार मौला दाद। गिराने में कितने बुलडोजर लगेंगे यार? ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? तू मुसलमान हो जा, सिर्फ मुसलमान हो जा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, सो जा। अबे पुलिस, पुलिस, तू जा, 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 जा
बात सुन, इधर आ, खुल के बताओ तू कहना क्या चाहती है। बाहर पुलिस खड़ी है, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी आ गई, पुलिस भी आ गई। और तुमने जरूर कोई वारदात की होगी, जब ही इतने बाहर पुलिस आई है। जा जा, मैंने कोई वारदात वारदात नहीं की है। सिनेमा देखने, सिनेमा देखने गई थी, हवलदार ने देख लिया, साले को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के चकमा देके तेरे पास आई हूँ। यानी पुलिस तेरे पीछे आई है? ये मरवाई की पुलिस पीछे आई है। अरे वो गुड्डी तू क्या कर रही है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस यहाँ आ गई? आने दो पुलिस को। ओए ओए कोई है, दरवाजा खोलो, मैं हवलदार दिलदार खान बोल रहा हूँ। अबे इसको छुपा, इसको छुपा दो, मेरी शक्ल क्या देखना। छुपा जा, छुपा 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 छुपा, जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी कर यार। छुपा दिया, 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 छुपा दिया। छुपा दिया, दरवाजा खोला यार, छुपा रहा है। मैं 347 ताजिराते पाकिस्तान के यहां भी जा रही है यार। भाई कहीं छुपा दे, वो आ जाएगा यार, जल्दी करो, छुपाओ यार इसको। पहली सीटी बज गई है, जल्दी कर यार। मैं 3 बार सीटी बजाऊंगा और उसके बाद दरवाजा बंद दूंगा। ओए दूसरी सीटी बज गई मौला दाद, पहली सीटी बजती है अब। तो पहली सीटी बज गई और दूसरी सीटी बजा रहा हूं। अरे बाप, दूसरी बज गई यार। ओए मैं दरवाजा पढ़ने लगा हूं। अबे तीसरी बज गई यार, मरवा दिया यार। अबे तीसरी बज गई। सुनने की आदत मुझे नहीं है, वो हमारे दादा ने एक कुत्ता पाला था। अच्छा, कुत्ते ने कहीं से भंग पी ली थी, तो भंग पी ली थी तो वो गहरी नींद सो गया था। अच्छा हाँ। आप यकीन जानिए हमारे खानदान में तो किसी ने नशा किया ही नहीं आज तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे दादा ने कुत्ते वो भंग पी दी। हाँ। भंग पीना भी कानूनन जुर्म है, चलो। अरे अरे अरे, अरे, अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। 20 साल से वो ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। वो एक बारी फिर कहीं वो पुत्र होए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो एक बारी फिर कहीं होए। इंस्पेक्टर साहब, एक बारी फिर कहीं होए।
इंस्पेक्टर साहब। अच्छा 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 भाई मुझे ये बताओ ये टोपी किधर से पहनी है तुमने? जी वो टोपी है। अरे मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, असल में आपके सामने नंगे सर खड़ा था इसलिए टोपी पहन ली। अच्छा अच्छा, हम कानून की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, एहतराम करते हैं। ओए करना भी चाहिए, वरना मैं बड़ा सख्त किस्म का हवलदार हूँ। तुम्हें तो पता है मैं सीटियां कम बजाता हूँ और गिरफ्तारियां ज्यादा करता हूँ। ठीक है, मेरी बात सुने। हाय रे सर्दी सारे जिस्म में बर्फ से भर दी। सर्दी से कहा? अच्छा अच्छी बात है भाई। देखो जी, तुम जर्सी पहनो या चड्डी पहनो, कानूनन जुर्म तो है नहीं है। मसला दरअसल ये है कि मैं सीटियां कम बजाता हूँ और गिरफ्तारियां ज्यादा करता हूँ। और बात सुनो। जी जमादार साहब। ओए हवलदार को तू जमादार कह रहा है? और मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब। असल में आप शेर है शेर। आपने कभी अपनी वजाहत नहीं देखी, अपनी शुजात नहीं देखी, अपनी शख्सियत नहीं देखी। ओए पुत्र, ओए ओए चीज तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो तू शक्ल से कोई मशूक लगता है। इंस्पेक्टर साहब मशूक नहीं मशकूक। ओए ओए पिछड़े ये कहना चाह रहा था कि जिस घर में तुम जैसे शरीफ बच्चे हो वहां चोर आ ही नहीं सकता। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल करना, मैं जा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब एक कप चाय तो पीते हुए जाइए। ओ यार डीएसपी तो मैं बाद में बनूंगा, पहले तो मैं ये सोचूं कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो करता चलूं। ये बताओ कि किधर छुपा के रखा है मुजरिम को? कमाल हो गया, आज तो कोर्स में ही छीके शुरू हो गई है। पिछड़ो पीछे तो उड़ी उड़ी, मुझे पता चल गया हो नहीं हो मुजरिम इसी कारण। और अगर मुजरिम यहां से बरामद हो गया तो तुम लोगों की मैंने वो उड़ी उड़ी करनी है ना कि लोग देख देख के करेंगे अश अश। माफ करना बहन जी, मुझे नहीं पता था कि यहां मुजस्मा रखा हुआ है। ओ ये मुजस्मा तुमने बनाया? ओ मैंने कहा जी, ये मुजस्मा तो कुदरत ने बनाया है। ओए कुदरत ने बनाया, लेकिन पुत्र तू बड़ा सच्चा है। काश काश इसमें उड़ी उड़ी ओए काश इसमें जान होती, ऐसे मैं अपनी हवलदार नहीं बना लेता। हवलदार हाथ न लगाना, अभी रंग कच्चा है। रंग कच्चा? ओए तू बड़ा सच्चा है। बात सुन, कोई जब इसका रंग खुशक हो जाए ना, हाँ जी रिश्वत के तौर पे मुझे दे देना। वैसे मैं रिश्वत लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। बात सुनो, मैं जा रहा हूँ बाहर, बाहर जाके पहरेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब। खाना है न पीना है न चीनी है न पत्ती है न सिगरेट है न लाइटर है न माचिस है न तीली है। और तुम दोनों की हालत देख
का हवलदार हूं मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बोलना, वहीं से खींच के मारूंगा क्योंकि तुम्हें छींके लग लग के कोरोना हो गया। उड़ी उड़ी जी, मैं बाहर ही हूँ जी जी जी, किसी चीज की जरूरत हो जी जी आवाज देना मुझे जी जी जी। अबे यार इसने तो शर्म नहीं आती इस किस्म की बगैर की जिंदगी गुजारते हुए? इतना गैरतमंद है तो अपने घर क्यों नहीं बिठा लेता? अरे चल ना, तू इस काबिल है जो किसी के गैरत बन सके, तेरा मेरा क्या मेल? सच्ची बात कही तो बुरी लग गई। अरे बुरे को बुरा बोलकर झूठा बोलना सबको आता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि गुड्डी तू बुरी क्यों है। हम बचपन यतीमखाने में गुजरा, होश दारुल अमान में संभाला, जवान हुई तो जिसने नजर डाली बुरी ही डाली। अब तू ही बता, मैं अपनी इज्जत आबरू को बचाकर जिंदा रहने लगी क्या करती? चल अब इधर 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 चल अब बस कर, तू मैं हूं ना, और तू भी यार जो मुंह में आता है वही बोलता रहता है। चल बस मैं जाके अभी जरा छत पे सोता हूँ, और तू जो है ना जाके भी उस। अबे फिर आ गया, अबे इसको घर पे छुपा छुपा इसको, अबे अबे इसी को लिया, इधर आ जा पीछे। मुजस्मा सूखा कि नहीं? जी नहीं, मुजस्मा सूखने में पूरा एक हफ्ता टाइम लगता है। ओए तो तुम लोगों के घर में पंखा वंखा नहीं है क्या? उसके सामने करके चलाओ जल्दी जल्दी, मुजस्मा सूख जाए। अच्छा जी इंशाल्लाह। अब आज सुनो, तुम्हारे पास सिगरेट है? ना सिगरेट है ना माचिस है। ओए मेरे बच्चों, ओए तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो, ओए हवलदार दिलदार खान को बाहर से मारना, ओए वो तुम लोगों को बाहर से फेंक के मारेगा। इंस्पेक्टर साहब। ओए इंस्पेक्टर नहीं, डीएसपी बोलो मुस्तकबिल का। डीएसपी नहीं नहीं जी, आईजी सिंध साहब। ओ नहीं ओए डीआईजी यार। ओए ओए पागल कर दो। तेरी वजह से क्या क्या मुसीबतें हमको झेलने को मिल रही है। बस मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? मैं जा रहा हूँ छत पे सोने, तू वहाँ जाके वहाँ अपना तख्त पे सो जा। नहीं सोती। क्या बोला तूने? नहीं सोती। अभी दूंगा नहीं। चल जा रही हूँ। अरे चल सर पे चढ़ गया तुम लोग यार, मैं काम करने देता हूँ। अरे सर पे उठा रखा है, चल तू भी अंदर आ। नहीं जा रहा, जा नहीं जाता। क्या बोल रहा? नहीं जाते। जा क्या बोल रहा? जा रहा हूँ ना, जा रहा। ऐसी बात हो तो आवाज दीजिए, ठीक है ना? साला क्या जीने देता है ना।
भगवान। माँ को सिगरेट पे हमने लगाया। अरे बात सुनो, तुम मेरे को मुंशी नहीं बोलो, हम पिए हैं पिए जमशेद बार एट लाका। क्या बात है मुंशी, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी खा रहे हो। गर्मी बाबा, गर्मी नहीं खावे तो क्या घास खावे। इतना महंगाई है, महंगाई की वजह से पूरे पाकिस्तान की कापे टांग रही है। और तो और, तनख्वाह वक्त पे मिलता नहीं है, गधों की तरह काम करना पड़ता है। और एक वकील साहब की बात बतावे तुम्हारे को, इतने असूलों के पाबंद है, वकालत चले नहीं चले, कोई क्लाइंट आवे नहीं आवे, दफ्तर 8 बजे खोल दो। ओह माय गॉड, रक्षी 8 बज चुके हैं, कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो भाई चलो यार। तुम सिर्फ हमारे को पिए बोला करो, पिए। चुप कर ठरकी बुड्ढे। बाबा हमारे बेइज्जती हो गया। बाबा कौन सा पहली दफा हुआ? घेर घार के हम लाता है क्लाइंट को, अब बोलते हम सच्चे आदमी है, सच्चे केस चाहिए। अभी बताओ इस जमाने में कोई सच्चा है? अभी सच्चे केस किधर से लावे? ना लेना एक ना देना दो। अरे बाबा इसको देखो, मौला दाद कितनी शान से सो रहा है। अरे बाबा वकील साहब खामखा केस लड़ रहे और अनवर मियाँ की खामखा रोटियां तोड़ रहे, और हम बाबा खामखा एक कप चाय के लिए तरस रहे। अरे सही, उधर तो 2 कप पड़े, बिस्किट भी पड़े हैं 3-3। अरे वाह सही वाह, क्या बात है सही, क्या बात है, क्या बात है सही।
इस जमाने में भी अखबार फेंक रहा है, लोग मोबाइल पे देख लेते। बाबा इधर तो 3 बिस्किट था, किधर गया? एक मैंने खाया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भूख ज्यादा था नहीं, चाय जैसा लगता है हम ही खा गया। अखबार का खबर पड़े, अरे बाबा रिगल चौक पे जोरदार धमाका, धमाके में आवाज ही नहीं आया। अरे बाबा कैसे धमाके चल रहे हैं, आवाज ही नहीं आए। खैर बाबा चाय तो एक कप और पीवे। अरे बाबा ये क्या, इसमें पेट्रोल था क्या? सही, कप हमने एक चाय का पिया है, ये अला जाने हमारे साथ हो क्या रहा है। खैर हम खबर दूसरी पड़ता है। अरे सही ये कैसी खबर है, बस उल्टी है, बंदे हंस रहे हैं। अरे सही अखबार ही उल्टा है। अरे सही चलती हुई बस के अंदर एक पॉकेट मार गिरफ्तार, लड़की गिरफ्तार। नहीं सही नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मौला दाद उठो, ये क्या कौन सी खबर है? अरे ये लड़की गुटी तो नहीं हो सकती है। अरे बाबा वो इधर आई थी। अरे बाबा जो लड़की गिरफ्तार हुई है वो गुटी है क्या? अरे सही ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारी जिंद जान है, उसके बगैर हम जी नहीं सकता है। बात कर रहा है मौला दाद बना फिरता है, गुटी है किधर तू गुटी? अरे गुटी तू किधर आए सही? अरे शकल का शादी से कोई तल्लुकात है? अरे बात सुनो, मजाक मजाक में शादी कर लियो, मजाक मजाक में बच्चा आ जाएगा, जब गली में निकलेगा नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या मजाक है। अरे जा जा, बात करती है। ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? सही जो इस उम्र में होता है। ये साला मुझसे इश्क फरमा रहा था, कहता है मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुंशी जी, जी जी जी, अकेले में जवान लड़की को छेड़ना 375 का केस है, और इस केस में मैं तुम्हें 10 साल की कैद करवा सकता हूँ। सही माफ कर दो, इश्क में तो जितने भी आशिक गुजरे ना सब का बेड़ा ही गर्क हुआ, हमारे को माफ कर दो। अरे साहब, मैं बताओ कर रही थी। मुंशी जी सही, तेरी बात कान खोल के सुनना। गुड्डी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम काबिले तारीफ हो, जो तुमने अपने आप को इस गंदे माहौल में बचा के रखा है। जिंदगी के किसी हिस्से में अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत शुक्रिया वकील साहब, ये आपकी मोहब्बत और खलूस है, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे एक मिनट गुड्डी, वहां से मत जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, वहां आगे चौक पे हवलदार अभी मौजूद होगा, पहले उसे जाने दो फिर जाना। तुम कानून की नजर में पॉकेट मार हो, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। बात सुनो, आवाज से लग रहा है बड़ा तकड़ा है एक लाइनर, इसको हाथ से जाने नहीं देना खुदा का वास्ता। वकील साहब आ रहे, सही आ रहे। बहुत मशरूफ है, मुझे वकील साहब से काम है। तुम पहले हमारे से मिलो, हम है उनका पीए। तुम उनका पीए मुझे नहीं जानते? अरे नहीं जानते थे। इसको तो जानता है? सही, इसको तो जरूर जानता है। वाह, इसको जानता है, फेकू दादा को नहीं जानता है, जिसकी कसम खुद
चाकू खाता है। चाकू कसम खाता है? हाँ। अब थोड़ा पागल भी है। कि फरमाइए आपको किससे काम है? वो क्या है वकील साहब, काम तो अभी आप ही से है मुझे, और बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी फीस दूंगा। रकम वापिस करो। काय को शोर करते हो वकील साहब, अपने दिमाग को शोर सुनने का आदि नहीं है। क्या मैं यहाँ आपके आने का मकसद पूछ सकता हूँ? मकसद तो बहुत मामूली है वकील साहब। वो क्या है? अभी मैं आपसे बिल्कुल खुली बात करता हूँ। मेरे दो बच्चे टॉनी और जॉनी स्मगलिंग का काम कर रहे थे, चरस का, और उनके पीछे पुलिस लग गई। अभी बताओ, उसी वक्त पीछा करते हुए दो बच्चे पिकअप के नीचे आ गए। हमारा क्या कसूर है? कसूर किसका है ये बात की बात है, पहले मुझे ये बताइए उन दो मासूम बच्चों का क्या हुआ? बहुत ही भोले हो वकील साहब, वैगन के नीचे आने का मकसद क्या होता है? दोनों बच्चे मर गए, हमारा क्या कसूर है? अब आप मुझसे चाहते क्या है? एक ही काम है वकील साहब आपसे, टॉनी और जॉनी की गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत। बिट्टू दादा, तुम गलत जगह पर आ गए हो। सबसे पहले तो मैं उन दो मासूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में तुम्हें फांसी चढ़ा सकता हूँ, उनकी जमानत नहीं करा सकता, और अपनी पाक सरजमीन से गद्दारी भी नहीं कर सकता। ठीक है वकील साहब, इस पाक सरजमीन में दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्यों ना तुझे इस जमीन में दफन कर दिया जाए फेकू दादा। चल रहे बकरी। वकील साहब, ये तुम्हारे बंदे अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। कोई बात नहीं, चल वकील साहब, चल मैं देख लूंगा तुम दोनों को। अरे बाप, बस चला गया वो। अरे तो बंदी नहीं हो रहा? अरे हाँ, वो मौलादाद हमारे को दे दियो, हम बंद कर लेगा। चलो तुम कर दियो। मेरे मौलादाद, आज तुम्हारे केस की तारीफ है भाई, जल्दी करो, टाइम निकल जाएगा। यार मैं ये वकील, ये मैं जीत नहीं सकता वकील साहब, ये मैं अगर ये हार गया तो मैं सारी जिंदगी मैं क्या करूँगा, मुझे यकीन है कि मैं केस नहीं जीत सकता। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं हूं ना। यार अनवर बाबू, अनवर बाबू, अनवर यार, यार बात सुन, तू भी मेरे निहाल चलो यार, कोर्ट के अंदर तू रहेगा ना तो मुझे ढारस बनेगा। चल ठीक है। हाँ। मैं तेरे साथ चलता हूँ। ठहर जा, मैं तेरा जुत्ती पहन। अरे बन के चलूं, तन के चलूं, आज दखन में बात सुनो, बदतमीजी कराया हमारे साथ, तुम टाइम से पहले किस कानून के तहत अंदर आया है? अबे ओ वकील के चपरासी,
मुझसे कानून ना बगाड़, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पे आया हूँ। बाबा अभी 11 बजने में 7 मिनट बाकी है। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे कब्ज हो रही है। ये देख मेरी घड़ी में ठीक 11 बज रहे हैं, ये देख। बाबा इसमें 11 बज रहे। हाँ 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे। हाँ इसमें 11 बज रहे। हाँ हाँ इसी में 11 बज रहे हैं, देख टाइम देख। ठीक है अभी तुम्हारे 11 बजाते हैं। अब ये लो इसमें 11 नहीं 12 बजेंगे। मेरी घड़ी ठीक हो गई। अरे मेरी घड़ी ठीक हो गई, 3 महीनों से सेकंड का काटा भी नहीं चल रहा था। अरे वाह मुंशी वाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी घड़ी ठीक कर दी। वाह भाई वाह। अरे बाबा ऐसा करने से घड़ी ठीक हो जाती है? घड़ी ठीक हो गई मेरी। अरे बाबा हमारी घड़ी भी 10 मिनट लेट चलती है, हम भी इसको ठीक करें। क्या कर रहा था हम? हाँ वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन वे टिकट। हमारी घड़ी ठीक। अरे कद्दू के मुंह वाले, इसके तो सारे कांटे गायब हो गए। देखा बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मजा आया ना? अल्लाह करे तेरे सर पे जितने बाकी बाल है ना सब खत्म हो जाए। अबे भाई रे कितने गए यार। अच्छा ज्यादा दिमाग मत खराब कर, जा अपना सामान रख, मुझे भी अपना सामान रखना है क्योंकि अभी डॉक्टर साहब का आने का टाइम हो गया है। जल्दी कर। बात सुन, इस अलमारी में 3 बीमारी है। ऊपर अनवर साहब का सामान है। हाँ। बीच में तुम्हारा सामान है। हाँ। और आखिर में हमारे वकील साहब का सामान। अभी उठाते। दिलदार हवलदार खान नाम है। और बात सुनो, तुमने मुझे
डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने छप्पड़ फाड़ के भेजा है मरीज, बिल्कुल तैयार बेल की तरह है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें तैयार बेल लग रहा हूँ? हाँ। और मैं सीटियां कम बजाता हूँ और गिरफ्तारियां ज्यादा करता हूँ। अरे भाई, आपको क्या बीमारी है? ओ भाई, मुझे ना सीटियां कम बजाने की और गिरफ्तारियां ज्यादा करने की बीमारी है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल तैयार बेल है। अब आश्रय, ये देख रहे हो, ये फीते 1, 2, 3। अब ये बताओ कि मुजरिम किधर छुपा के रखा हुआ तुम लोगों ने? मुजरिम? आप शायद मुजरिम की तलाश में गलत जगह आ गए हैं। ओए गलत नहीं, बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। ओए कल रात से मैं यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, छोड़ो मुजरिम को, वो बताओ कि मुजस्मा सूखा है कि नहीं? मुजस्मा? मुजस्मा कौन सा मुजस्मा? डॉक्टर साहब, मुझे तो ये कोई पागलखाने से भागा हुआ ज़हनी मरीज लगता है। भला यहाँ पर मुजस्मे का क्या काम? और मुझे तो इसकी वर्दी भी जाली लग रही है। ओए बकवास करते हो तुम। ओए जाली तो तुम लोग मुझे लग रहे हो। ओए कभी ये आर्ट गैलरी हो जाता है, कभी ये वकील का दफ्तर बन जाता है, कभी तुम लोगों का क्लिनिक बन जाता है। वो ये चक्कर क्या लगाया हुआ तुम लोगों ने? क्या मतलब? क्या मतलब? अजीब चक्कर। ओए बात सुनो, ओए कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। कभी मेरे सामने तुम लड़कों के कपड़े पहन के पॉकेट मारती हो, कभी बुर्का पहन के मेरे सामने से निकल जाती हो, चक्कर क्या है ये? ओहो, आप कौन है और ये कैसा मजाक है? कैसा मुजस्मा, कौन पॉकेट मार और कैसा बुर्का? मैं तो सीधा कॉलेज से आ रही हूँ। ओए तुम्हें पता नहीं है लंबे हाथ कानून के? अरे ये तो वाकई पागल है। नगीना पकड़ो इसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। अभी इसको मैं ठीक करता हूँ डॉक्टर साहब। इसको ठीक करते हो आप? तेरे ठीक करना है? गरीब आदमी है, वो मेरे कॉलेज का चौकीदार है और शायद उसके पास दवाई के भी पैसे ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरीन बेबी कि आपने मेरे जुमले को कॉपी किया। तब तो मुझे फौरन चलना चाहिए। जी जी। तब तो मुझे फौरन चलना चाहिए। मैं किसी गरीब के काम आऊं, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। आओ चलो। देखो नगीना, जी डॉक्टर, जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद खिसक मत जाना। लेने का ख्याल रखना। जी जी, जरूर जरूर। ओके ओके। जी जी, चल चुकी क्लिनिक। सुबह से कर एक मरीज भी नहीं आया। अगर एक मरीज आ जाए तो ये मनुष्यता दूर हो जाएगी। हद हो गई है भाई, हद हो गई है। अरे भाई कौन है? अरे हीरो, हीरो। अरे भाई कौन हीरो? लगता है कोई सुरीला मरीज मालूम होता है। अरे सैया द्वारे खड़े। अरे कौन हो भाई, कहां से आए हो? जरा पल के उठा के जरा देख रे, तोरे अंगना में आए सावरिया। पल के उठा के जरा देख रे, तोरे अंगना में आए सावरिया। अरे बाबू, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। अबे ओ गंजे, हम कोई बाबू या चौधरी मलक नहीं है बे।
तो फिर कौन हो हम? अरे भोला भोला हमारा नाम, भोला भोला नाम। अरे भोले ये बताओ कि तुम किस काम से आए हो यहाँ पर? अबे अबे गंजे, लगता है तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम्हारी अकलिया ने भी तुम्हारी खोपड़िया का साथ छोड़ दिया है। अबे हम भोला हैं भोला, फिल्म नादान के भोला, समझा के नहीं समझा? ये बताओ कौन सी फिल्म में आए हो? आए हाय जालिम, किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है रे, हमने तो आज तक किसी स्टूडियो का गेट भी नहीं देखा है रे। तो फिर किस बात के हीरो हो? अरे नाम के हीरो हैं यार, सिर्फ नाम के हीरो हैं। अरे यहाँ जिसको काम आता है ना वो धक्के खाता है, और जिसको काम नहीं आता वो रसगुल्ले खाता है। हम तो यहाँ पर आए थे कि अनवर बाबू से अपनी तस्वीर बनाएंगे, और फिर तस्वीर लेके किसी डायरेक्टर के पास जाएंगे, वो हमको चैनल देगा, फिर इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो बन के दिखाएंगे रे। अरे देखो भाई बोला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाह तो तुम्हारे भी गले में कोई रस्सी डाल के ले जाएगा। अबे वो तरबूज के सर वाले, अबे हम कोई बैल या बकरी है क्या जो हमें रस्सी डाल के ले जाए? अरे आप हमारा कहने का मकसद नहीं समझे, यानी कि कोई ना कोई अच्छा सा डायरेक्टर तुम्हें भी ले जाएगा। हाँ तो यू कहो ना, वरना हम समझे कि हमारी इज्जत पे हमला होगा। भला हम अब तुम्हारी इज्जत पे क्यों हमला करेंगे? ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अबे तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है, जब से मैं आया हूँ उल्टे सीधे सवाल। अबे पैक करता हूँ मैं बदमाशों के साथ, करके दिखा तुम मुझे। नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा मूड नहीं है आज लड़ने का। आए हाय तबीयत गिरी गिरी सी लग रही है। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमारी एक दवाई खा लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, निकालो 50 रुपए। अरे किस बात के 50 रुपए रे, अबे लग रहा है कि हम अनवर बाबू के स्टूडियो नहीं आए, किसी दवाई खाने में आ गए। हाँ तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हम यहाँ के कायम मकाम डॉक्टर भी हैं। अरे देखिए देखिए, अदाकारों से अदाकारी कर रहा है। अबे अनवर बाबू का स्टूडियो है ये, हम कल रात भी आए थे अपनी तस्वीर बनाने के लिए। बे अबे भाई हाँ, रात यहाँ 8 गली थी, अब ये क्लिनिक है। अरे साला, क्या नए पाकिस्तान के जाते ही अनवर बाबू भी अपनी दुकान बढ़ा गए क्या? अरे भाई यहाँ पर 3 शिफ्टें लगती है, सबसे पहली शिफ्ट वकील साहब की लगती है, दूसरी शिफ्ट हमारी होती है, डॉक्टर साहब आते हैं, और तीसरी शिफ्ट इसकी लगती है अपना। अबे 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 सर चकरा गया है हमारा, क्या घनचक्कर बना रही है, हमको चक्कर आ रहे हैं, हमें आपको चक्कर आ रहे हैं? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारी एक टेबलेट खा लीजिए, ना मर्ज रहेगा ना मरीज। खा लिए 50 रुपए। अबे तरबूज के सर वाले, अबे बार बार 50 रुपए 50 रुपए। अबे भैया हमारा दिमाग खराब हो गया, हमें कोई मर्ज नहीं है। आपको कोई मर्ज नहीं है? नहीं है। हम कह रहे हैं अबे नहीं है। अरे हम कह रहे हैं नहीं है। अरे हम कह रहे हैं निकालिए 50 रुपए। अबे किसने हमको पीछे छोड़ दिया इसको यार, हमरे यार। अरे भैया हमारा चिल्ला चिल्ला के गला खुश्क हो गया। अबे अबे पानी पिला दो पानी। जी यहाँ पर दवाई तो मिल सकती है मगर पानी नहीं मिल सकता। अच्छा बेटा शरबत रखा है, बोला पानी नहीं। अरे पिए ये जुलाब पी गया, इतना मीठा शरबत रखा है, कह रहा पानी नहीं है। अभी इसका रिएक्शन पता चलेगा थोड़ी देर में। रिएक्शन? अरे हम तुमको अभी रिएक्शन दिखाएंगे। आए आए इस गंजे सर पे गुब्बारा चढ़ाना था, तूने लोहे का गिलाफ चढ़ाया भाई। हमने तो पहले ही मना किया था। आए, आए। देखो ना शैंपू हो गए खुद ही। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये 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 करते करते, अरे आहे भरते भरते कटे कई साल रे, हाय
आए तू आजा नाल नहीं तू नहीं आ तू नहीं आ तू नहीं आ तू आजा नाल रे अरे हूँ हाँ करते करते आए आहे भरते भरते कटे कई साल अरे तू यहाँ भी आ गई पॉकेट मारने के लिए अबे तू क्या यहाँ तेल लेने आया है मैं तो अपने किसी बेवफा को ढूंढते ढूंढते आई हूँ बेवफा अरे नहीं पगली तो तेरे प्यार के दीवाने हैं रे अरे चाचा तुम हो नसीबो वाली के मैंने तुमसे प्यार किया है तुम हो नसीबो वाली के मैंने तुमसे प्यार किया है तेरा इसके साथ क्या लपड़ा है क्या चक्कर है तेरी गैरत तो जागी अबे ओ गुड्डी ये कह दे अपने गैरतमंद भाई को ज्यादा टिकर टिकर करने की जरूरत नहीं है उन देंगे दो को आन के नीचे के दिमाग ठिकाने आ जाएगा ओए असी माला जटा ओ किथे है साटा गंडा का ओए असी औरंगी टाउन दा मुंह फटा ओ काय मेरी लाठी ओए ओए बस भी करो तुम दोनों लड़ना लड़ाना कुछ है नहीं खाली एक दूसरे को झटकियां मार रहे हो अरे लड़ना है तो लड़ो मैदान में आओ वरना भाड़ में जा दोनों अरे भाई कहां से कूदे हो रे भैया मैं चट्टान से कूदा हूं चट्टान से कूदे हो रे अच्छा अब तुम देखो तुम किधर से कूदे हो अरे हम पहाड़ से कूदे हैं रे पहाड़ से कूदे हो और टायर तेरी ऐसी की तैसी केटू के पहाड़ से कूदेगा इसके ऊपर एक और डब्बा रख एक और डब्बा रख मैं कह रहा हूँ तू पूछ मैं कहाँ से कूदूंगा कहाँ से कूदेगा मैं आसमान से कूदूंगा अब तेरा बाप इससे ऊंची जगह लेकर आया है आसमान पे जाने की जरूरत नहीं है जो कुछ लड़ना झगड़ना है थल्ले आगे लड़ो थल्ले ठीक अब तू संभाल भोले का आवाज अरे जरा ये लड़ाई एक मिनट रुक नहीं सकती ओए नहीं मुकाबला स्टार्ट हो चुका है मुकाबला खत्म हो जाएगा अरे समझा करो गुड्डी अरे पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो पेट खुल जाएगा अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा तेरे साथ मसला क्या है जितिया तो दुपड़ी मार रहा था अब लड़ना अरे अरे बहुत बहुत नाजुक मसला है रे अरे अगर ये कुछ हो गया तो हमारी इज्जत बाहर आ जाएगी जल्दी बताओ कि ये बाथरूम कितने अच्छा हम चले अरे ओ मौला दाद हम आएंगे भोला अपना कॉल का पक्का है ये लड़ाई हो आखिर इसके साथ तेरा चक्रू क्या है कुछ नहीं ये हीरो था यहाँ अपनी अनवर बाबू से तस्वीरें बनाने आता है बेचारा ये भी मेरी तरह भटका हुआ राही है उसको अपनी मंजिल की तलाश है ओए वो भटका हुआ राही हो ये सुल्तान राही हो समझा मेरे अलावा अगर कोई और आया ना तो फिर याद रख जमील राही होगा वो Thank you.
हम हफ्ते खुश इखलाकी मना रहे हैं। जी 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 बताओ भला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप एक काम कीजिए, वो गौतकिया जरा ला के हमें मुझे दे दे। मैं अभी लेकर आया, फिक्र नहीं करो। हम हफ्ते खुश इखलाकी मना रहे हैं, अवाम की खिदमत करना कानून का फर्ज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कज़ा हो जा। उलझना तो हम मुसाफिरों का काम है, आपने कब से लकीरों से उलझना शुरू कर दिया? जब से आपको देखा। देखिए इस वक्त जो है वो जरीन घर पर नहीं है, प्लीज आप बाद में आइएगा। जरीन घर पर नहीं है? ओ ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे आपसे बातें करने का वक्त मिल जाएगा। देखिए कैसी बातें, कोई देख लेगा प्लीज। देखिए तस्वीर बनाना तो वक्त और मूड पे मुनसर होता है, इस वक्त ये मुमकिन नहीं। आप मुझे देखिए ना, आपका मूड अपने आप बन जाएगा और मेरी तस्वीर भी। देखिए जरीन इस वक्त घर पे नहीं है, आप प्लीज किसी और वक्त आइए ना प्लीज। अच्छा सुने ना, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कैसी बात? यही कि इस माह की 30 तारीख को आर्ट्स काउंसिल में मुसव्वरी का प्रोग्राम होने वाला है, और हाँ जीतने वाले को 10 लाख का इनाम मिलेगा। जी मुझे मालूम है। तो मुझे तो अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, इस इनाम के हकदार आप ही होंगे, और हाँ मैं आपका नाम इस प्रोग्राम में दे आई हूँ। क्या मतलब दे आई? देखिए मिस रक्षी, मुझे अपने फन की नुमाइश से सख्त नफरत है, मैं अपने फन को नवाबों और रईसों के महलों की जीनत नहीं बनना चाहता। मेरा फन तो गरीबों के जज्बात का आईनेदार है।
कौन बे, ये कौन बे, ये जरीन है, जरीन है, ये जरीन है। हाँ। अबे कांगड़े आँख खोल दुनिया देख, ये कौन है, ये रक्षी है, ये रक्षी हो या रक्षा हो तेरा इसके साथ क्या चक्कर है? ओ यार कोई भी कसम ले ले मौला दाद, मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है, ये तो यहाँ जरीन से मिलने आई थी और मैंने इसे कहा जरीन घर पे नहीं है। अच्छा बे, तुम जा रही थी ना? नहीं अरे तुम जा रही थी? मैं नहीं जा रही, तुमने कहा था जरीन नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैंने नहीं कहा ऐसा। अरे तुम जा रही थी, ये जाए ना जाए, अगर तू कहे तो मैं इसे लेके जाए। खराब हो गया, तुम जाओ जरीन। ये क्या हरकत है, तू किस तरह आता है यार? बासु, कौन थी? यार बताया तो है यार मैंने कि ये जो है रक्षी थी, जरीन की दोस्त थी, मिलने आई थी। मैंने कहा वो तो घर पे नहीं है, बिचारी ने चाय भी नहीं पी। अच्छा। मीठा खिला के चली गई। अच्छा। बासु, ये जरीन यार, ये जरीन से याद आया, जरीन अभी तक नहीं आई यार, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई है यार। गई होगी किसी को कपड़े देने। तुझे क्या है, तू तो सारा दिन जो है ना बस पेंट्री किया कर। कौन है? जा यार जाके खोल यार। कौन है? चढ़ जा। कहां गई थी तुम? मैंने पूछा कहां गई थी तुम? वक्त देखा है तुमने घड़ी में? कहां गई थी तुम? माफ करना अनवर, आने में जरा देर हो गई। देर हो गई? यार मेरी जवान बहन रात गई इतनी देर तक बाहर है और तुम कह रहे हो कि देर हो गई? क्या करने गए थे तुम लोग? क्या करने गए थे? बताते क्यों नहीं है, कहां गई थी, किस लिए गई थी? भाईजान आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे कॉलेज के चौकीदार की जान बचाकर एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। कैसी बात कर रही हो जरीन, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, डॉक्टर तो एक वसीला है। ठीक है तो तुम यार, यार जज्बाती होना मेरा फितरी अमल है डॉक्टर अर्शद। वैसे तुम दोनों काबिले तारीफ हो। बैठो खाना खा के जाना। हाँ खाना खा के। अरे नहीं यार मूड नहीं है खाने का। यार खाना लगाओ यार। अरे नहीं यार, अरे इतने दिनों बाद आए हो, खाना खा के। अच्छा चलो। वो इधर आ। आप वो खाना खाने का तो ऐसा बोल रहा है, जरीन बहन घर में थी जो खाना खिलाएगा तू। अबे तुम क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, होटल से लिया जा। खाना खा के चलिए। नहीं नहीं बस मूड नहीं यार, तुम खाना खा के ही जाओगे यार, खाना खाए बगैर नहीं जा सकते तुम। मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी, नहीं तो ये जिद कर रहे थे। अब ठीक है फिर, जैसे ही डॉक्टर साहब नहीं बगैर खाए तुम नहीं जा सकते। ओके हलाफ। अरे अरे तू खाएगा बे? नहीं मैं गम खाऊंगा वहां पे जाकर। तो ले जाके सो जा, जा मुझे तस्वीर बनाने दे, तुझे मेरे हमेशा कोल रहे। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला होगा वो मेरा होगा, मैं गुड्डी के साथ रहूंगा।
याद रखना और आप सब भी कि भोला अपना कॉल निभाने आ गया। अरे जो जो लड़ाई हम छोड़ के गए थे ना, आए वो हम निभाने आ गए हैं। अच्छा ये। अबे भाई तू निभा, मैं जा रहा हूं। आसम तू मुझसे लड़ेगा? है? अरे हम उठने की तो कोशिश कर रहे हैं, अरे लेकिन ये कंपाउंडर की दवाई उठने नहीं दे रही। ओए उठे, वासी तन देख लेंगे। मैं तुझे माफ नहीं करता मौला दाद। तो उठ मार मुझे ना, मार। ये देख। हाँ? ये क्या है? चक्कू है मेरे पास। तो इसका क्या करूं? हम तुमको आज कत्ल करके ही रहेंगे। तो बात सुन, इससे पेंसिल बना और सेब खा, सेब काट के खा। अरे हम तुझे उठ के मारने में ना हमारी तौहीन है, हम तुझे लेटे लेटे मारेंगे रे। अबे लेट के कैसे मारेगा? हम ये चाकू यहाँ रखे दे रहे हैं, तुम इस पे गिर जाओ। अरे फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कातिल देखा है जो कह रहा है कि चाकू पे गिर जाओ। वो बेटा बासुन आराम से सो जा, सुबह नाश्ता करके जाना। यहाँ सो जा और अंडे। लेकिन मौला दाद, तुमको छोड़ेंगे नहीं। आजा सोते हैं, आजा। फेकू दादा, आप मुझसे क्या चाहते हैं पायान? फेकू दादा और क्या चाहेगा? अभी चल बोल, मैंने तेरे को आज फिनिश करना है। चल जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बता। हमारी ख्वाहिश है वो जी, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे छोड़ दीजिए जी। छोड़ नहीं दूं। चल अपनी ख्वाहिश बता। स्टूडेंट की बिरयानी खाएगा, साबरी की न्यारी, जब पीआईडीसी का पान खाएगा। और तुझे नहीं छोड़ेंगे मौला दाद। अबे ये कौन है, मुझसे बड़ा बदमाश बुलाया क्या? भाई जान, अगर मुझे मारना है तो उससे पहले इसको मार दो यार। भाई ये तो मुर्दे की तरह सो रहा है। मारो ना, तुम बदमाश को मारते क्यों? मौला दाद मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा रे। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे से है। तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है। चल जल्दी से कलमा पढ़ ले। बात सुनिए जी, पर आप मुझे मारने से बेहतर ये है कि जी मैं मौला दाद नहीं हूँ जी, मौला दाद तो ये है। लगता है पुलिस आ गई। खबरदार, कोई अपने साथ ले जा रही।
है। अरे मुसलमान नहीं काफिर है ये जो फेकू दादा भागा है। फेकू दादा है? हमें कत्ल करने के लिए आएगा। अरे फेकू दादा जिसके ऊपर इनाम है। हाँ, हाँ। तेरी है रुको। ओए आस्ता वे वासन तबीयत हरी हुई? अरे पीली हो गई है हरी तो का मुझे पता नहीं। अच्छा अरे सो जाए क्या? हाँ सो जाए। आई आजा फिर मारे नाश्ते में कॉफी आ गई खा के। फैसला भी आना है, उठ जा। अबे कौन है यार? अबे भाई मौला दाद के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जाओ यार। अरे हीरो तुम? हाँ तुम है? अरे अनवर बाबू, अनवर बाबू तुम, अनवर बाबू कहाँ चले गए तेरे? अरे कहाँ कहाँ ने तुमको ढूंढा अनवर बाबू, हम पगला गए तेरे। अरे कसंदास में भी ढूंढ लिया? हाँ। अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे पास तस्वीरें बनाने आए थे। हाँ, और वो पागल कंपाउंडर के हत्थे चढ़ गए, उसने हमें मीठा जुल्लाब पिलाया और फिर धन धन धन। अरे तुम हमारा। हाँ। हाय हाय। अच्छा हाय हाय। शिकर करो बच गए। अरे आने जाने में खर्च हो जाता, बार बार आ रहा है बार बार जा रहा है। अरे खर्च कैसे हो जाता? एक मिनट। अरे अभी तो हमने हीरो बनना है। जल्दी से ना हमारी एक अच्छी सी तस्वीर बना दो, हम उसको लेके फिल्म साजों के पास जाएंगे और बताएंगे कि देख हम कितने बड़े हीरो हैं रे। अरे यार देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे फन की नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से छुपे हुए फनकार की तस्वीर बनाना चाहता हूं ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि ये है वो शाहकार, समझे तुम? हाँ। अच्छा ये बताओ चाय वाय पियोगे? नहीं अब कुछ पीने और खाने के काबिल नहीं रहे भाई। अरे कुछ खा लीजिए हीरो बाबू। अच्छा तो फिर हमको जो है ना वो ईसा खोल की भूसी पिला दीजिए। ओ भाईजान जी तैयार है, मैं ले आऊं? अरे हाँ भाई ले आओ। और सुनो पहले लोग तो गिन लो। हाँ, बस मेरे लिए ज्यादा हैवी नहीं, बस दो चार पराठे लाना। तुझे क्या, जा तू जाके अपने रंग और ब्रश से खेल। दगारत इंसान जिस भाई को अपनी बहन के जायज इकट्ठा करना चाहिए, जिस भाई के अपनी बहन के जिंदगी के अंदर रंग भरना चाहिए, तू इसमें रंग भर रहा है। लानत है तुझ पे, डूब मर जा। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं अपनी बहन का। मैं कातिल हूं, मैं कातिल हूं, मैं कातिल हूं। अंदर बाबू ना छोड़ो मुझे, आज मैं अपनी बनाई हुई तकलीफ अपने हाथों से मिटा दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जरीन मेरी बहन तू देख सकती है? जी भाईजान। तू देख सकती है?
तू देख सकती है, तू देख सकती है मेरी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई, तू देख सकती ना मेरी बहन। तेरा ये भाई जिंदा है, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तुझे कुछ नहीं हो सकता। चल ठीक है, इसको घर ले लेके चल, चल इसको डॉक्टर अर्शद के अस्पताल ले चलते हैं। हाँ जा 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 मेरे आगे बोलो। इसका मतलब कि घर में कोई भी नहीं है? अरे तुमको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? ए मिस्टर लैनी प्लीज। अच्छा हाँ लूंगा लूंगी, ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, तुम गलत जगह पर आई। मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। तुम कौन? मैं मुल्ला जी की टोन आई। तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हारे को समझाने का टाइम नहीं है। ये बताओ अनवर साहब कहाँ है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अरे भाई अगर कुछ तो हमसे मिलिए, इस वक्त हम हैं इस घर के निगराने आला। निगराने आला होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ अनवर साहब ने कोई तस्वीर बनाई है कि नहीं? हाँ हाँ बनाइए, ये देखिए। वेरी गुड। हाँ गुड 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 गुड। ये है आरत की असल कदरदान। हाँ दुख तो है लेकिन उनके बचपन का। तुमको पता है ये इस सदी की सबसे अजीम तख्लीक है, मैं इसे ले जा रही हूँ। हाँ ले जाओ फौरन से पेशतर ले जाओ, इससे पहले अनवर साहब इसको आने वाली सदी की पेशतर बेहतरीन तख्लीक बना दे। चुप रहो, जाहिल गवार नहीं थे। ये अम्मी जान कहती हैं जो होता है वही होता है। अपने काम से काम रखो। ये देखिए जाइए गाइए। वैसे सुनिए हम चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये देखिए बेकार तस्वीर को ले गई और कह रही है कि अजीम तखलीक। ओए होए 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 होए। उफ उफ। अरे भैया कोई कुछ ला दे। क्या हो रहा है मेरे साथ आज यार? ये कौन लोग हो तुम लोग भाई? तेरी मौत। भाई कुछ रहम करो यार। रहम करो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। डॉन रहम नहीं खाते, तू गोली खा। नहीं पेट फुल है, पेट फुल है भाई। चाचा जी बचाइए। बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। पहले ये बताओ मौला दाद कितने ने? ये कौन है? अब मौला दाद वो घर में नहीं है, घर में नहीं है भाई। घर पे नहीं है? वो वकील कितने ने? मौला दाद कैसे जीतिया सी? वकील इस टाइम तो ना वो कोर्ट में होते हैं लेकिन आते ही होंगे घर में।
बगदाद का कैद जीतिया है। आज तू अपनी जिंदगी हारेगा। कौन है ये? कोई है? किधर है? किधर गया? ये आपके अपने बाल हैं? रेंट पे लिए। इनके लिए कुछ नहीं लिया? किधर है? भाईजान, पता नहीं कौन है भाई। आओ आओ, था जिसका इंतजार शकार आ गया। तू वही है ना जिनने मौला दाद को पना दी थी? मौला दाद कितने ने अदालत तो वो पहले ही भाग गया थी। क्या कह रही थी तुम? करी तुम कुछ कह रही थी? क्या कह रही थी? ये क्या कहेंगी? ये मेरी बहन है और गालिबन तू मौला दाद का चचा है। ठीक पहचाना तूने? ठीक पहचाना। मौला दाद किथे ने? दस मेनू वो जिथे भी है। तू कौन आता है पूछने वाला? मैं आता चाचा ने अब बोल भी सकता हूँ। भागने की कोशिश नहीं करना। वो कानून ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओए, ओए तू भागने की कोशिश नहीं करना। उर्दू में कहा है खबरदार। ओए तू अदालत से घूम के तो भाग के इधर आ गया है, लेकिन अब इधर से भाग के कहीं नहीं जा सकता। चलो ए, चलो चले। एक मिनट साहब, मुझे गुब्बारा फाड़ने दो। चल बे। यार ये मौला दाद कहाँ रह गया यार? पता नहीं यार, मौला दाद रह ही जाता है। आए। आए। यार वकील साहब, वो तो शुक्र है मौला दाद भाई घर पर नहीं है, वरना ना जाने पता नहीं क्या हो जाता। सही कह रही है तू, पता नहीं। वफा कर रिया हूँ, वफा चाह रिया हूँ। अबे ले शादी करी। वकील साहब, जब आपने मेरा मुकदमा जितवाया, गुड्डी मेरे नाल सी। हम लोग दोनों जब बराबर वाले कमरे से गुजर रहे थे तो उधर शादी हो रही थी, फिर हमने भी शादी कर ली उधर जाके। चले भाई, खुदा का शुक्र है कि सारे काम अच्छे हो गए। हाँ, अब सिर्फ एक फिटिंग बाकी है। फिटिंग? हाँ। कैसी फिटिंग? बस फिटिंग करनी है, अगर इजाजत हो वकील साहब तो फिटिंग कर लूं। हाँ हाँ, करे करे। भरे भरे पापा, अरे भरे पापा, जीता मुतवा। अगर रक्सी यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता। सब मेरी बात सुनो। आप सब लोगों को मुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या? क्या? वो क्या? वो ये तो सब सुनिए। आप लोगों को पता है जो अनवर साहब ने तस्वीर बनाई थी उसको आर्ट काउंसिल वालों ने पहला इनाम 10,00,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। अबे वो तस्वीर ऐसा लग रहा था अजियतनाक, वो तस्वीर। बोला? अब बात सुनो जी। बोलने के काबिल नहीं है। मैं कह रहा था फिटिंग करने की बात। हाँ। तो जरीन भैन तू इधर आ। भाई तू मेरी भैन है।
डॉक्टर बाबू ओ तू इधर आ यार खाब खा एले तू एडे नाल फिट हो जा और बात सुन अनवर बाबू तू भी इधर आ और तू किथे गई एडे नाल फिट हो जा एडे नाल फिट हो गई जी मौला दाद मैं अनफिट रह गया ना नाम मेरा है मौला दाद तेरे लिए भी मैंने एक हीरे मैंने रखी हुई है अच्छा बाद में आएगी हाँ इधर है और बात सुन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग प्लाजा बनेगा और लोग यहाँ रहेंगे एक कमरा जो होगा वो हमारे वकील साहब का होगा दूसरी बिल्डिंग हमारे पेंटर बाबू की होगी तीसरी बिल्डिंग हमारा सोना पुत्र जनाब डॉक्टर साहब का होगा और चौथी बिल्डिंग हमारे जनाब वकील साहब की होगी वकील साहब उधर बहुत कानून करेंगे और बात सुन पांचवी मंजिल पे मैं रहूँगा अपने गुड्डी के साथ और कमरे में रखूँगा अटैच बाथरूम फ्लश सिस्टम के साथ छत पे तू रहेगा और वहाँ गाना वहाँ गाएगा चले ठंडी हवा टम टम चले ठंडी हवा